हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक बेहतर क्लास में। आज जो है हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और केमिस्ट्री में जो है थ्री पार्ट्स होते हैं, हमने पहले ही बताए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि भौतिक रसायन और उसके बाद कार्बनिक रसायन और उसके बाद अकार्बनिक रसायन। तो हम लोग जो है ना शुरू ही करेंगे भौतिक रसायन से, जिसको सभी लोग जो है बहुत भारी समझते हैं, ओकरे हम आसान समझते हैं। और इस बउआ वाले सब्जेक्ट केमिस्ट्री को जो है बउआ के तरह आपको हम समझाएंगे। यकीन मानिए, अगर यह वीडियो देखते हैं और इसमें जितने भी टॉपिक्स बताए जाते हैं वो आपको कहीं दूसरे जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा जो है हमें आप पे विश्वास है और आपको भी हम पे होना चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग जो है भौतिक रसायन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था। अगर पदार्थ की ठोस अवस्था चैप्टर का नाम है तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न ही आया कि सर ये पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं, दुनिया का कोई भी वैसा वस्तु जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होती है, जिसका कुछ आयतन होता है, उसे हमनी के पदार्थ कहते हैं। दुनिया के चाहे पूरे ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ आयतन हो, उसे पदार्थ कहेंगे। ये जो है पेन भी जो है पदार्थ है, काहे कि इसका भी कुछ वजन होगा, जहाँ पे रखे हैं उतना स्थान घेरा है और इसका भी कुछ आयतन होगा, समझ रहे हैं ना। ये बोर्ड भी लगल है, इसका भी ये भी जो है पदार्थ है। काहे पदार्थ है, तो इसका कुछ वजन होगा, तौलेंगे तो वजन होगा कि नहीं होगा, कुछ स्थान ये घेर रहा है और इसका आयतन भी है, तो ये पदार्थ है। समझ गए पदार्थ किसे कहते हैं। ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि सर पदार्थ किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होती है, उसे पदार्थ कहते हैं। रटे वाला बात नहीं, आप समझिए, जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। अब आपके मन में प्रश्न कि सर पदार्थ के कितने भेद होते हैं। पदार्थ के जो है तीन भेद होते हैं और वो सभी आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, और उसके बाद द्रव होता है, और उसके बाद जो है गैस होता है। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हिंदी में बोले तो ठोस, द्रव्य और गैस। आइए थोड़ा इसका जो है हम फिगर आपको दिखाते हैं। देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, गैस जिसका फिगर बना हुआ है, लिक्विड जो ग्लास में पानी रखा हुआ है, और सॉलिड जो बर्फ है कि नहीं। अब जो है हमें इस चैप्टर में जो है सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, तो सॉलिड पढ़ना है। अब कहेंगे सर सॉलिड ही क्यों पढ़ना है, ये बाकी दो गो काहे नहीं पढ़ना है, लिक्विड और गैस, तो बाकी दो गो नहीं पढ़ना है काहे, काहे कि ई में खाली कहल गई है पदार्थ की ठोस अवस्था। इस चैप्टर में सिर्फ आप पदार्थ की ठोस की अवस्था के बारे में जानेंगे और विस्तार से जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा हम जानकारी आपको भी देंगे। देखिए, स्टेट ऑफ मैटर तीन प्रकार के, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठोस, द्रव्य और गैस, ये जानते हैं आप। अब देखिए, सॉलिड का जो है सॉलिड किसे कहते हैं, यानी कि ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका आकृति और आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। दुनिया के कोनो ऐसा चीज यानी पदार्थ जो जिसका आकृति निश्चित होके और जिसका आयतन भी निश्चित होके, उसे ठोस कहते हैं। जैसे देखिए, इका है, ये ठोस है कि नहीं है, एकर आकृति निश्चित है कि इतने बड़का रहेगा, और इसका जो है आयतन भी निश्चित है, अगर हम हाथ पे रख ले हैं तो इतने जगह छेकेगा, और एकरा अगर टेबल पर भी रख दें तो उतना ही जगह छेकेगा जितना हाथ पे छेक रहा है कि नहीं। तो सॉलिड का जो है गुण भी पहला यही होता है। देखिए, सॉलिड का गुण यहाँ पे लिखा होगा, डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर पैकेट क्लोजली। यहाँ पे सॉलिड का देखिए थोड़ा समझिए, सॉलिड के गुण
कि डिफिनेट शेप यानी कि आकृति जो है निश्चित होता है, डिफिनेट वॉल्यूम यानी कि आयतन जो है निश्चित होता है, और मॉलिक्यूलर पैकेट क्लोजली यानी कि जो है सॉलिड के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एकदम भीरी भीरी सटे होते हैं, एकदम नज़दीक नज़दीक सटे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है इसके गुण क्या हैं। और लिक्विड के बारे में हम जानते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे हमने के कहते हैं काची, तो द्रव कहते हैं, द्रव कहते हैं। अब कहेंगे सर कैसे हम समझे कि द्रव किसे कहते हैं, पानी देखे हैं, पानी अगर पानी को एक ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के आकार के बन जाएगा, अगर एगो लोटा में रखेंगे तो लोटा के आकार के बन जाएगा, लेकिन ग्लास में पानी आधे लीटर है तक लोटा में डालेंगे तब पानी एक लीटर हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि आयतन निश्चित है लेकिन आकृति बदल गया है, ग्लास में से लोटा में डाले हैं तो लोटा लेखा हो गया है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। अब द्रव के गुण क्या है, देखिए लिक्विड के टेक शेप ऑफ कंटेनर यानी कि जो है वो कंटेनर के अनुसार यानी कि जैसन बर्तन में आप रखेंगे वैसन आकृति के वो हो जाता है, यानी आकृति निश्चित नहीं है। डिफिनिट वॉल्यूम यानी कि आयतन उसका जो है निश्चित है। एंड मॉलिक्यूलर कैन मूव सम वाट यानी इसके जो छोटे छोटे कण हैं वो जो है तनी दूर दूर स्थित रहते हैं और घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते हुए रहते हैं, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। गैस किसे कहते हैं, तो वैसन पदार्थ जेकर आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है ओकरा हमनी के कहते हैं गैस। गैस के गुण क्या है, तो टेक शेप ऑफ कंटेनर यानी कि जैसन बर्तन में डालेंगे वैसन आकृति होगा, आकृति अनिश्चित है। एक्सपैंड टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यानी कि गैस जो है बर्तन के अनुसार आयतन बदलता है। फॉर एग्जाम्पल बैलून में हम गैस को भर दिए तो बैलून के आकार के तो हो गया, लेकिन बैलून से ओकरा बर्तन में हम डालेंगे तो आयतन चेंज होगा। काहे कि जब बैलून से बर्तन में डालेंगे तो कुछ गैस उड़ जाएगा, तो आयतन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो बात इज आप समझिए, तनी मनी रटे वाला बात नहीं, याद करे वाला बात। पदार्थ जो है तीन भाग होते हैं, पदार्थ के तीन भाग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते हैं, तो जिसका आकृति और आयतन दोनों जो है का होता है, आकृति और आयतन जो है निश्चित होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ठोस। बात समझ में आ रही है सर। और द्रव्य किसे कहते हैं, तो जिसका आकृति जो है अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे द्रव्य कहते हैं। और गैस किसे कहते हैं, तो जेकर आकृति और आयतन दोनों जो है अनिश्चित होता है ओकरे हमनी के कहते हैं का, तो गैस कहते हैं। बात समझ में आवे है तन्ने, ठीक है ना, अनिश्चित हो गया, खेला अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो हमनी के ढेर बाकी है। अब आते हैं सर, ठोस हम लोग पढ़ लिए, ठोस के गुण भी पढ़ लिए हमनी के। ठोस के का गुण होता है, तो ठोस कठोर होता है, ठोस का द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होता है, ठोस अघात वर्धनीय होता है कि नहीं, ये सब जो है ठोस के गुण हैं। अब कहेंगे सर आप तो पढ़ा दे रहे हैं, हमको याद भी हो जा रहा है लेकिन कुछ देर बाद हम भूल जैविक तक का होते ही हो, तो भूलने के अगर बीमारी है आप में तो कुछ नहीं करेला है दोस्त, भूले के बीमारी है तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, SGS क्लासेस एप्लीकेशन, ठीक है ना, यहाँ पे एक एक चीज के जो है नोट्स रखल गई है, ठीक है, यहाँ से आपको नोट्स ले लेना है, आप पढ़ते रहिएगा, एक बार क्लास कर लीजिए उसके बाद नोट्स ले लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर से जो है ये आपको नोट्स मिलेगा, अगर प्ले स्टोर में ऐप पेमेंट सब उजे जाइएगा तब बता देवल जाएगा, ठीक है ना, हमने क्या भेजा पढ़ाई करे आए हैं तो पढ़ाई हमने के कर जाए, ठीक है। SGS क्लासेस एप्लीकेशन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना सर। चलिए आगे हमने के पढ़ते हैं, अब हमने के पढ़ेला है ठोस के वर्गीकरण यानी कि ठोसों के बांटल गई है, पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया,
ठोस, द्रव्य और गैस। अब ठोस को तीन भाग में बांटल गई है। अब देखिए कैसे, ठोस के जो है क्रिस्टलीय ठोस में बांटल गई है, जिसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, एंड दूसरा जो है अक्रिस्टलीय ठोस में बांटल गई है, जिसे हम लोग एमॉर्फस कहते हैं इंग्लिश में, एंड तीसरा जो है बहुक्रिस्टलीय ठोस में बांटल गई है, जिसको पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ये जो है आपको पढ़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये भी जो है आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी जो है पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना सर। तो चलिए अब हमने के मेन प्रश्न कि सर क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। आपके मन में जो है ये प्रश्न है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है किसे कहते हैं, तो एक बार जो है ना हम नोट्स वाला परिभाषा आपको बोल देते हैं, उसके बाद अपना परिभाषा जो है हम आपको समझाएंगे। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, अवयवी कण किसे कहते हैं, तो परमाणु अणु आयन को जो है हम लोग अवयवी कण कहते हैं, ठीक है ना सर। तो वैसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम्ब अवस्था में जुड़कर, अब कहेंगे कि त्रिविम्ब का होता है, त्रिविम्ब मतलब कि 3D, ठीक है ना, 3D त्रिविम्ब अवस्था में जुड़कर एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बात आपने ठीक से सुना सर, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम्ब अवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलिए इस क्रिस्टलीय ठोस का जो है ना हम आपको फिगर दिखाते हैं, ठीक है, फिगर तनी देख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस का। ये जो है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन लिखल है, यानी कि क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन के हिंदी जो है क्रिस्टलीय होता है, ठीक है, और एमॉर्फस मतलब कि अक्रिस्टलीय होता है। तो देखिए त्रिविम मतलब होता है कि एक लाइन फिर दूसरा का लाइन और तीसरा का लाइन जो है सेम ओकरे जैसन होके पहिलका के तरह, ठीक है। 3D मतलब सुने हैं, 3D मतलब का होता है 3D, तो वैसे ही यानी कि एक लाइन ऊपर वाला और फिर दूसरा लाइन ओकरा से एगो तनी मनी पीछे, देखिए एकर सामने सामने नहीं है, लेकिन तीसरा लाइन जो है एकदम एकर सामने है। इमें याद करेला कुछ बात नहीं है, फिर से हम तनी बकैथियाँ, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम्ब अवस्था में जुड़कर एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए तीन गो अवस्था में जुड़ गया, अगर नहीं तब बनाते हैं तनी फिगर, हम एक बनाते हैं तनी फिगर। देखिए एक गो गोल हम बनाए, फिर दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, ये एक लाइन हुआ, और फिर एकर नीचे जो है दूसर का लाइन, ये जो है दूसर का लाइन हम बनाए, और फिर ये पहल का लाइन के तरह जो है एगो आउ लाइन ऐसा बनाएंगे। तो ये जो बना ना सर, ये जो बना, ये ठोस जो बना, इसी ठोस को हम लोग कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल में आप पूछेंगे कि का हीरा हो गया, बर्फ हो गया, धातु, नमक, ये सब जो है क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। अब आपके मन के एगो प्रश्न कि सर अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का भी जो है ना एजा जो है फिगर बनावल गई है, अक्रिस्टलीय ठोस का भी, ये अक्रिस्टलीय ठोस का है। अब बताइए ये दोनों में अंतर का है, देखिए तनी, ये त्रिविम अवस्था में जुड़कर जो है एक निश्चित आकृति का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना, त्रिविम अवस्था में, ये त्रिविम अवस्था में जुड़ा है, आ ई जो है जैसे तैसे जुड़ल है, कौनो एन्ने है तो कौनो एन्ने है तो कौनो एन्ने है, देख रहे हैं ये कौनो लाइन में हिले नहीं है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण एक अनिश्चित आकृति में जुड़कर एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। नहीं समझ में आया तनी आपको समझाते हैं, पहले तनी जान लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस। आई वो बात जो बार बार पूछता है, क्रिस्टलीय ठोस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम जो है उसे रवेदार ठोस भी कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को रवेदार ठोस भी कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवेदार ठोस भी कहते हैं, बेरवेदार ठोस, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि रवेदार ठोस किसे कहते हैं या बेरवेदार ठोस जो है हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय के रवेदार कहल जाता है और अक्रिस्टलीय के बेरवेदार कहल जाता है, ठीक है ना सर।
आइए समझते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के हमने की परिभाषा जान गए, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम अवस्था में जुड़कर एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस केकरा कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होकर एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए अनियमित रूप से कौनो नियम से जुड़ल है, कौनो केनहू है, कौनो केनहू है, तो अनियमित रूप से जुड़कर एगो निश्चित आकृति का निर्माण कर रहा है सब, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों परिभाषा आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो एक बार नोट्स जाकर आप देखिए, मजा आ जाएगा आपको, है कि नहीं। अक्रिस्टलीय ठोस आप जान गए, तो अब जो है आगे तनिए आपको बताते हैं, आगे हमने के क्या पढ़ेला है, बहुक्रिस्टलीय ठोस। ये बहुक्रिस्टलीय ठोस जो है आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी जो है हम आपको बता देते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है ना सर। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण भौतिक प्रकृति के होते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग नहीं देख सकते हैं, वैसे ठोस को बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुक्रिस्टलीय ठोस वैसन ठोस को हम लोग कहते हैं जो ठोस तो होता है लेकिन हम लोग उसको अपन आँख से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, उसी ठोस को जो है हम लोग बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। अब तनी आते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के भी जो है प्रकार होता है सर, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? क्रिस्टलीय ठोस के भी जो है प्रकार होते हैं, इससे पहले थोड़ा हम और आपको बताएंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो है प्रकार में पहला है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? तो आयनिक ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस के चार पांच प्रकार होते हैं, जिनमें से हमने जो है चार आपको लिखे हैं, आयनिक ठोस, स्वसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आण्विक ठोस। तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं, प्रश्न ये है। वैसे ठोस जिनका निर्माण ऋणायन और धनायन धातुओं से मिलकर हुआ है उसी ठोस को जो है आयनिक ठोस हम लोग कहते हैं। चलिए करतानी जो है फिगर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना सर, कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं। चलिए आयनिक ठोस देखिए, यहाँ पे जो है एगो क्लोरीन माइनस है, एगो सोडियम जो है प्लस है, आ ई जो है एगो क्रिस्टल है, ठीक है। क्रिस्टल के प्रकार में पहला प्रकार आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? तो वैसे ठोस जिनका निर्माण ऋणायन और धनायन धातुओं से हुआ है, वैसे ठोस को जो है हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, बड़ी आसान है ये सब। ऋणायन और धनायन से मिलकर बना होता है, उसी को जो है हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। अब जो है दूसरा हम आपको बताते हैं कि सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। तो वैसा ठोस जिनके अवयवी कण सहसंयोजक ठोस, देखिए इस सहसंयोजक ठोस का जो है फिगर है, ठीक है ना सर। तो वैसा ठोस जिनके अवयवी कण एक दूसरे के सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर अपनी त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तनी समझिए कि सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। सहसंयोजक बंधन के बारे में आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सहसंयोजक बंधन ऐसा बंधन होता है जिसमें साझेदारी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए हम और आप जो हैं एगो रूम में रह रहे, एक जगह जो है मान के चलिए मुखर्जी नगर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे पास चूल्हा है, आपके पास जो है गैस है, तो हमने में दोस्ती इसलिए बना हुआ है कि जब हमारा खाना बना वाला रहता है तो हम आपका गैस लेके आते हैं अपने यहाँ, और जब आपको खाना बनाना रहता है तो हमर जो है चूल्हा लेके आप चले जाते हैं, है कि नहीं। तो जब चले जाते हैं तो वो एगो बंधन बना, तो उस बंधन को हम लोग कहेंगे सहसंयोजक बंधन, ठीक है। तो वैसे ही जो है सहसंयोजक ठोस का होता है, तो वैसे ठोस जिनके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसी ठोस को सहसंयोजक का कहते हैं, तो ठोस कहते हैं। सहसंयोजक ठोस को हम लोग नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी कण है ये सब जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ के ही जो है बना हुआ है, इसीलिए इसे जो है सहसंयोजक ठोस कहा गया है, ठीक है।
अब कहेंगे सर कि ये सब के जो है इतना तो आप बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताएं कि क्रिस्टल के जो है गुण का होता है और क्रिस्टल के गुण का होता है, या फिर आप कहेंगे सर कि इसका क्या गुण होता है आयनिक ठोस के चाहे सहसंयोजक के जो है गुण का होता है। जब हम इतना आपको समझा दिए तो जब आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स में जो है 10-10 गो गुण लिखल है, जो आपको आसान लगे वो जो है कोनो 3-4-5 गो कम से कम याद कर लीजिएगा, है कि नहीं। अब देखिए क्रिस्टल के ठोस के जो है एगो और प्रकार है, वो प्रकार जो है अब आपको बताते हैं धात्विक ठोस, जिसे हम लोग मेटालिक के सॉलिड कहते हैं। ये धात्विक ठोस के जो है चित्र है मेटालिक ठोस का। तो धात्विक ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के आच्छादन से बने होते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का होखल है? संयोजी इलेक्ट्रॉन तनी तू लोग के समझा रहे हैं। जैसे मान के चलिए सोडियम के देखे हैं सर, सोडियम के जो है आप देखे होंगे Na होता है एकर संकेत, आयकर 11 जो है होता है परमाणु संख्या। तो जब इसका बोर ब्यूरी के अनुसार लिखेंगे तो 2, 8 और 1 लिखाता है कि नहीं। तो एकर जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आई अंदर वाला जितना इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मालूम होगा ये सब। तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने के समझेला था कि जो है धात्विक ठोस किसे कहते हैं? तो धात्विक ठोस ऐसे ठोस को कहते हैं जिनके अवयवी कण धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के आच्छादन से बनते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के आच्छादन से बनते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे आण्विक ठोस किसे कहते हैं, आण्विक ठोस किसे कहते हैं। तो आण्विक ठोस के तो ओकर नाम में ही जो है परिभाषा छुपल है। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण अणुओं के मिलने से बना होता है उसे आण्विक ठोस कहते हैं। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण अणुओं से मिलकर बना होता है उसे आण्विक ठोस कहते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिले है मॉलिकुलर सॉलिड, यहाँ पे जो भी जो है ये लाल होगा और एगो ब्लैक है, ये सब जो है अणु है। अणु किसको बोलते हैं? तो अणु छोटे छोटे कणों को हम लोग बोलते हैं। तो ये सब जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना सर। इसीलिए इसे जो है हम लोग आण्विक ठोस कहते हैं। अब आण्विक ठोस के भी प्रकार होखले बुआ, आण्विक ठोस के जो है 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना सर। आण्विक ठोस के 3 प्रकार होते हैं, एगो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड एंड नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद एगो होता है हाइड्रोजन बंधन वाले आण्विक ठोस। तो ये पोलर मॉलिकुलर सॉलिड का होता है जिसे ध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं, और नॉन पोलर जो है मॉलिकुलर सॉलिड होता है जिसे अध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं। तो ये पोलर को पहले समझ लेते हैं कि ध्रुवीय आण्विक ठोस किसे कहते हैं। ध्रुवीय आण्विक ठोस ऐसे आण्विक ठोस को कहते हैं जिनके अवयवी कण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल से जुड़कर ठोस का निर्माण करते हैं उसे ध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं। देखिए ध्रुवीय आण्विक ठोस किसे कहते हैं? जैसे कि ई प्लस वाला आई माइनस वाला जब जुटल है, आई देखिए यहाँ पे जो है माइनस एन ए प्लस एन ए माइनस, तब प्लस और माइनस के मिलने से जो ठोस बनता है उसे ध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? देखिए हमने क्या बोला, ऐसे आण्विक ठोस जिनके अवयवी कण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल से जुड़कर ठोस का निर्माण करते हैं उसे ध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं। ध्रुवीय आण्विक ठोस किसे कहते हैं आप समझ गए? ऐसे आण्विक ठोस जिनके अवयवी कण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण मतलब समझते हैं सर, ये स्थान जो है चेंज करता रहता है जिसके कारण बनता है, ठीक है।
फिर से एगो कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसके अनुसार हम आपको समझाते हैं। वैसे आणविक ठोस जिनके अभिकर्ण इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण से बने होते हैं, इहो जो है उस ध्रुवीय आणविक ठोस के जो है, वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवीकरण इलेक्ट्रॉनों के त्याग, त्याग को हम लोग जो है प्लस से सूचित करते हैं और ग्रहण को जो है हम लोग माइनस से सूचित करते हैं। तो ई जो है देखिए यहाँ पे डॉट डॉट से जुड़ल है, यहाँ पे फिगर आपको अगर नहीं दिखाई देवे तो तनी इसको बड़का करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना सर, बड़ा करके तनी दिखाते हैं तब जो है आपको तनी समझ में आएगा। चलिए बड़का करके दिखाएं तो इसमें जो है तनी समझिएगा, ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, ये प्लस है और ये माइनस, ये देखिए डॉट डॉट जो है माइनस आपको दिखाई दे रहा है, इससे जो है बना हुआ है माइनस प्लस, यहाँ पर भी देखिए ये प्लस है तो ये जो है माइनस, ये दोनों से मिलके बना है, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो ठोस बने होते हैं उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब जो है अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अपने इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा कमजोर आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। एक और परिभाषा हम आपको दे देते हैं ध्रुवीय और अध्रुवीय आणविक ठोस के। ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, जेकर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो जो माइनस प्लस वाले इलेक्ट्रॉन जो अवयवी कण होते हैं, इनके जो हैं मजबूत आकर्षण बल द्वारा जेकर जुड़ रहेगा उसको हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे, जेकर कमजोर आकर्षण बल द्वारा जुड़ रहेगा उसको जो है हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। बात समझ में आ रही है, वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं उसे ध्रुवीय आणविक ठोस, और वैसे अवयवी कण जिनके अवयवी कण जो है कमजोर आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है। अब जो है हम आपको आगे बताएं तो यहाँ पे जो है एगो हाइड्रोजन बंध वाले जो है आणविक ठोस होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस किसे कहते हैं, तो वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो है आणविक ठोस हम लोग कहते हैं। वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे हाइड्रोजन बंधन वाले आणविक ठोस कहते हैं। आज जो है हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और फिर जो है आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे कि आखिर ठोस जो है कठोर क्यों होता है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। ठोस आघातवर्धनीय क्यों होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछेगा। हम लोग जो है आज क्या पर है उसका जो है एक बार रिवीजन हम आपको जो है करवा देते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के भेद, ठोस किसे कहते हैं, ठोस के गुण हमने पढ़ा। उसके बाद हम आपको बताएं तो हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा, तो फिर हम लोगों ने पढ़ा ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, बहुक्रिस्टलीय ठोस, तीन गो भाग में बांटल गई है। अब क्रिस्टलीय ठोस के जो है चार गो भाग में बांटल गई है, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस एंड आणविक ठोस। अब आणविक ठोस को भी जो है तीन गो वर्ग में बांटल गई है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधन वाले जो है आणविक ठोस। यहाँ तक हमने पढ़ा, अगर आपको जो है ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है केमिस्ट्री को जो है बउआ की तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखे हैं अच्छा लगा है तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।